चलिए तो सारे ही शेप्स का मोमेंट ऑफ इनर्शिया करने के बाद वी विल मूव टू रेडियस ऑफ गायरेशन। अरे वो कभी देखा है क्या इस पे आइस पे स्केट के साथ डांस करते हैं, वो स्केट के साथ कुछ ये करते हैं। तो वो हम लोग और उसको थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ेंगे, बट उसमें देखना बहुत बार कैसा होता है उनका मूवमेंट, जो जैसे हाथ वो वाइड फैलाते हैं, फिर नहीं कुछ स्टेप्स में वो हाथ को क्या करते हैं पास लेके आते हैं, बॉडी को वो एकदम क्लोज इसमें ये करते हैं। सो व्हाट दे आर डूइंग इज दे आर इंक्रीजिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया और दे आर डिक्रीजिंग द मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वो वहां पे क्या कर रहे हैं, अलग अलग हाथ के जो मूवमेंट्स हैं, तो वो उसके मूवमेंट्स के साथ क्या हो रहा है, उनका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है, तो पढ़ेंगे हम लोग उसको, काफी इंटरेस्टिंग चीज है वो। हम लोग थोड़ा सा और आगे एंगुलर मोमेंटम जब पढ़ेंगे, एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे हम लोग। अभी आते हैं हम लोग रेडियस ऑफ गायरेशन पे। अभी जैसे मैंने बोला कि वो जो पर्सन कोई स्केट कर रहा था उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो अब ना वो कोई परफेक्ट सिलेंडर है, ना कोई वो परफेक्ट रॉड है, ना कोई स्पीयर है, ना हेमिस्पीयर है। तो अब ऐसे समय पे हम लोग क्या करते हैं, किसी का पर्सन का किसी भी चीज का है, कोई स्पीयर का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों को ये करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, आय को हम लोग बोल देते हैं सीधा मास ऑफ दैट बॉडी इंटू के का स्क्वेयर, वेर के इज कॉल्ड एज रेडियस ऑफ गायरेशन। अब जैसे मान लीजिए साहिल जी को हम गोल गोल घुमा रहे हैं, हमको साहिल जी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट इस वर्टिकल जो सेंट्रल एक्सेस है उनके बॉडी की उसके अबाउट। तो वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया देने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं आपको बोल दूंगा कि रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ साहिल इज 1.2 मीटर्स। तो आप क्या करेंगे, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए आपको क्या शेप है, 2/5 लेना है, एम आर स्क्वायर बाय 2 लेना है, कि एम एल स्क्वायर बाय 12 लेना है, क्या लेना है, कुछ नहीं सोचना है। रेडियस ऑफ गायरेशन 1.2 दिया है, साहिल जी का मास लिया, मान लीजिए 50 किलो मास है, 50 इंटू 1.2 का स्क्वायर, ये क्या मिल गया, साहिल जी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो वो इररिस्पेक्टिव ऑफ द शेप आपका एक ही फॉर्मूला है, एम के स्क्वायर। तो वह के इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। तो कोई ऑड शेप्ड है तब आपको स्पेशली ज्यादा यूजफुल होता है रेडियस ऑफ गायरेशन। बाकी हम लोग और भी हमारे स्टैंडर्ड शेप्स के लिए भी यूज करते हैं, जैसे अगर किसी ने बोला रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड स्पीयर क्या होगा, तो हम क्या बोलेंगे, सॉलिड स्पीयर के लिए आई क्या है, 2/5 एम आर स्क्वायर, हम बोलेंगे इसको एम के स्क्वायर से इक्वल कर दीजिए, एम एम कट के स्क्वायर इज दिस, तो के इज इक्वल्स टू अंडर 2/5 इंटू आर। तो ये क्या हो गया, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड स्पीयर। कल जाके किसी ने बोला रॉड का रेडियस ऑफ गायरेशन बताइए, मेरे को कोई बुरा नहीं लगने वाला, मैं सीधा बोलूंगा रॉड का कौन से एक्सिस के अबाउट चाहिए, सेंट्रल एक्सिस के अबाउट चाहिए, एमएल स्क्वायर बाय 12 होता है, उसको एम के स्क्वायर से इक्वेट कर दिया, एम एम कट कर दिया, के इज इक्वल टू क्या कर दिया, एल बाय रूट 12, विच इज एल बाय 2√3। क्लियर है क्या, बराबर सबको, पक्का? तो दिस इज व्हाट, दिस इज द रेडियस ऑफ गायरेशन। तो ये हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन हो गया आई, ठीक है ना। तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, बस कुछ नहीं है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया देने का एक थोड़ा सा सिंप्लीफाइड तरीका है। तो उससे शेप से हमारा क्या बन जाता है, इट बिकम्स इररिलेवेंट ऑफ द शेप। क्लियर सबको, बहुत ही बढ़िया। अब एक बढ़िया वाला सवाल करते हैं सीधा।
ये स्पियर है, इसका रेडियस आर है, इसका मास एम है। ये रॉड है, इसकी लेंथ 2R है, इसका भी मास एम है। और ये दूसरा स्पियर है, इसका रेडियस 2R है। सॉलिड स्पियर्स हैं सारे। हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अबाउट दिस एक्सिस, इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस। अरे पैरेलल एक्सिस थ्योरम में कोई हमें 2D 3D का कोई टेंशन नहीं है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम इज वैलिड फॉर 2D एज वेल एज 3D। वो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम था जो 2D के लिए था, 3D के लिए नहीं था। सॉलिड है ना, सॉलिड है ना, सॉलिड है ना। साइन
सबके मोमेंट ऑफ इनर्शियाज उनके खुद के सेंटर के अबाउट, जिसके अबाउट आपको पता है वो निकालना पड़ेगा। फिर उसको क्या करना पड़ेगा, पैरेलल एक्सेस थ्योरम लगाना पड़ेगा। जैसे इसका निकालना है तो इसके लिए सबसे पहले मास ही नहीं पता, इसका मास कितना है बड़े वाले स्पीयर का, बड़े स्पीयर का मास कितना है, कितना है गुरुकांत जी, कितना है बड़े स्पीयर का मास? हाँ कैसे आया पूरे बताइए ना, तो क्या बोलते भटकर जी, एटम आ रहा है आपका, कैसा है एटम? हाँ कैसे फोर एम आया कैसे, ये तो बताओ। अबे एरिया वो वॉल्यूम है ना, सॉलिड स्पीयर है ना, एरिया से नहीं करेंगे, डेंसिटी से करेंगे, वॉल्यूमेट्रिक डेंसिटी से करेंगे। मास फोर एम नहीं आएगा, मास एटम आएगा। अगर हॉलो स्पीयर रहता तो 4m आता, तो एरिया मैटर करता, तो एरिया देखते थे कि एरिया 4 टाइम्स हुआ है तो मास भी 4 टाइम्स होगा। ये वॉल्यूमेट्रिक है तो वॉल्यूम देखेंगे हम लोग कि भाई इसका वॉल्यूम यहां पे पहले v था तो वहां वॉल्यूम कितना हो गया है, 8v हो गया, 8 टाइम्स हो गया। वॉल्यूम 8 टाइम्स हुआ कैसे पता चला मुझे, 4/3 पाई आर क्यूब, तो 2 का क्यूब करेंगे तो कितना हो गया 8, तो वॉल्यूम कितना हो गया 8 टाइम्स हो गया, तो इसका मास कितना हो गया 8m। So that is the stage one of the question. Iska mass 8m. अब वो 8m आने के बाद उसका खुद के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा उसका? हाँ 64 mr² / 5। इसके खुद के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, फॉर्मूला क्या है, 2 mr² / 5। तो 2/5 इंटू मास में क्या आ गया 8m, इंटू आर में क्या आ गया 2r² तो 2r² इज व्हाट 4r², 4r² इंटू 8m इज व्हाट 32, 32 टू 64 mr² / 5। इसमें क्या होगा, m इंटू रॉड की लेंथ कितनी है 2r का स्क्वायर बाय 12 ml² / 12। बट अब इसके अबाउट थोड़ी निकालना था, इसके अबाउट चाहिए था, यहां से यहां का डिस्टेंस कितना है, ये रेडियस 2r, ये r, तो 3r, तो क्या हो जाएगा प्लस m इंटू 3r का स्क्वायर प्लस होगा ICM प्लस md², तो वो क्या हो जाएगा 9 4/12 1/3, 1/3 प्लस 9 27 28, 28/3। ये रॉड का है अबाउट दिस एक्सिस। अब बारी है इस स्पीयर की, इस स्पीयर का इस एक्सिस के अबाउट क्या है, mr² mr² नहीं है 2/5 mr². फिर यहां से यहां पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ये डिस्टेंस r, r प्लस 2r इज 3r, 3r प्लस 2r इज 5r, तो प्लस m इंटू 5r का होल स्क्वायर, तो ये 25 125 125 127 mr² / 5। तो अब सबको ऐड करेंगे तो बढ़िया सुंदर सा आंसर आएगा, 127 प्लस 64 कितना हो गया 191, 191/5 प्लस 28/3 इंटू
एम आर स्क्वायर बराबर है 191 3 कितना हो गया 573, 573 प्लस 140, 673 713, 713 एम आर स्क्वायर बाय 15। चेक कीजिए, कैलकुलेशन चेक कीजिए, कौन सा टर्म मिसमैच हुआ है। अब एक ध्यान दीजिए सब लोग इधर, पहले एक बार एक मिनट ध्यान दीजिए इधर। अब मैंने बोला इसका रेडियस ऑफ गायरेशन बताइए, तो आप लोग क्या करेंगे, इसको किससे इक्वेट करेंगे, एम के स्क्वेयर। तो के क्या आ जाएगा, एम एम कट जाएगा, के इसका रूट आ जाएगा। ऐसा नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, एम जो है ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसका है, पूरे सिस्टम का। तो एम जो लेना पड़ेगा वो पूरे सिस्टम का लेना पड़ेगा। तो एम इज एम प्लस एम टू एम प्लस एट एम इज 10m। तो यहां 10m इंटू के स्क्वेयर करके आप रेडियस ऑफ गायरेशन निकालेंगे, तो रेडियस ऑफ गायरेशन निकलेगी, वो भी किसकी, किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। कल जाके अगर दूसरी एक्सिस होगी तो रेडियस ऑफ गायरेशन क्या आएगी, दूसरी आएगी, अलग आएगी। क्लियर है क्या सबको? तो ये ध्यान रखना कि रेडियस ऑफ गायरेक्शन निकालते समय पे ये होता है, एग्जाम में गलतियां हुई है, एक दो बार ऐसे सवाल आए हुए हैं कि रेडियस ऑफ गायरेक्शन निकालते समय पे लोग क्या करते हैं, वही वाले एक्सिस के वो पूरे सिस्टम का मास नहीं लेते हुए एक एम ले लेते हैं, दो बॉडी तीन बॉडी चार बॉडी जितनी भी है पूरे सिस्टम में, पूरे सिस्टम का मास लेके इंटू के स्क्वायर करना है। हाँ, रेडियस ऑफ गायरेशन का नोट नहीं किया होगा तो नोट कर लीजिएगा। हाँ, वो तो सिस्टम का हम रेडियस ऑफ गायरेशन लेते हैं ना, पूरे सिस्टम का आ लेंगे। एक से एक, एक हाँ, एक्सिस पे डिपेंड करेगा। यस, हमने डायमीटर के अबाउट लिया तो एम आर स्क्वायर बाई टू का से इक्वेट करेंगे रिंग में, अगर टेंजेंट के अबाउट लिया तो एम आर स्क्वायर बाई थ्री एम आर स्क्वायर बाई टू से करेंगे, इसके अबाउट लिया तो एम आर स्क्वायर से करेंगे, बिल्कुल एक्सेस पर डिपेंड करेगा।
चलिए, तो एक अच्छा सवाल और है हम लोगों के पास, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का। मोमेंट डिस्क है हमारी, एम मास और रेडियस आर की, उसका इस एक्सेस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अरे वाह, दो चार लोगों ने फटाफट आंसर भी निकाल लिया, एम आर स्क्वायर, वेरी गुड, फास्ट है आप लोगों के काम। ये पार्ट मैंने निकाल के फेंक दिया। सो दिस पार्ट हैज बीन रिमूव्ड। डिस्क डिस्क डिस्क, हाँ तो वो पोर्शन हमने निकाल दिया है, बचे हुए का मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताना है। हाँ एक सेकंड ना, अरे एक सेकंड, आपका हो सकता है शायद 7 mR² बता, आंसर मेरे को चेक करना, यानी सॉल्व करना पड़ेगा। उन्होंने एक्चुअली कट पोर्शन का मास एम दिया है, इसमें फर्क पड़ेगा। जैसे सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में आपको याद होगा तो फर्क नहीं पड़ता था कि भाई हम लोगों को किसका मास दिया हुआ है करके, कट पोर्शन का मास एम दिया, बचे हुए पोर्शन का मास एम दिया है कि पूरे सॉलिड का मास एम दिया है, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या आती थी, सेम आती थी। बट दैट वुड नॉट हैपन विद मोमेंट ऑफ इनर्शियाज, मोमेंट ऑफ इनर्शियाज वुड नॉट बी सेम कि भाई कट पोर्शन का मास है तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहेगा और वो वाले पोर्शन का मास है तब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया वही रहेगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ यानी कैसे सॉल्व किया, कौन सा मास एम लिया आपने, बड़ा पूरे सॉलिड का मास एम है। तो देखिए क्या होगा, जब पूरे सॉलिड का मास एम है तो ये जो कट पोर्शन है इसका मास कितना होगा, इसका मास होगा एम बाय फोर, रेडियस हाफ है तो एरिया क्या हो जाएगी, 1/4, तो उसका मास क्या है, एम बाय फोर। अब जो ये कट पोर्शन है इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना आएगा इसके खुद के सेंटर के अबाउट, आई इज इक्वल्स टू क्या होता है, एम आर स्क्वायर बाय टू, डिस्क का अबाउट इट सेंटर परपेंडिकुलर एक्सिस एम आर स्क्वायर बाय टू। अब एम कितना है, मास कितना है, एम बाय फोर, रेडियस कितना है, आर बाय टू का स्क्वायर होल बाय टू, आर स्क्वायर बाय फोर, एम आर स्क्वायर बाय 16, तो एम आर स्क्वायर बाय 32। अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम से इसके अबाउट, प्लस एम बाय फोर इंटू आर बाय टू का स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर बाय फोर, एम आर स्क्वायर बाय 16, तो 2 mR² बाय 32, 3 mR² बाय 32।
आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाय टू माइनस थ्री एम आर स्क्वायर बाय 32. तो 16 माइनस थ्री इज वॉट 13 एम आर स्क्वायर बाय 30. आप लोग क्या आया था, 7/24 आया था, 7/32 आया था क्या? शिफ्ट आर से क्या था, शिफ्ट आर बाय टू से होगा. हाँ, थ्री एम आर स्क्वायर बाय 32 नहीं, ये थ्री एम आर स्क्वायर बाय 32 किसका है, ये ऑरेंज वाली डिस्क का है. किसके अबाउट, ये वाले एक्सिस के अबाउट. जैसे ऑरेंज वाली डिस्क का सेंटर के अबाउट ये है, फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम से ऑरेंज वाली डिस्क का ये एक्सिस के अबाउट ये निकाला. अब ऑरेंज वाली डिस्क तो एक्चुअली हम लोगों ने क्या कर दिया है, निकाल दिया है. तो हमने क्या बोला कि पूरी सॉलिड अगर डिस्क थी उसका मास क्या था, एम, तो उसका